भी है भाई, तो पीछे तो ना चाचा जी को आप बुरा मत समझिए। अरे वो किसी से कम नहीं, एक बार गुस्सा आ गया ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर उनको लात मारने की कोशिश करो कि चाचा जी मत करो, चाचा जी फंस जाओगे, चाचा जी प्रॉब्लम आ जाएगी, वो कुछ भी उठाकर फेंक देते हैं। चाचा जी ऐसा लाइफ में रैंक क्यों रहे? क्या नहीं बस अच्छा, मैं कहानी कभी किसी को बताता नहीं फिल्म की, क्योंकि चार्म निकल जाता है। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि टोटल एंटरटेनिंग फिल्म है, और जैसा कि टाइटल है हसीना मान जाएगी, तो हसीना को मनवाने में जितने सारी एंटरटेनमेंट्स होती हैं, तकलीफें आती हैं, मेहनत जितनी करनी पड़ती है आदमी को, वो सब है इसमें बल्कि सारे नुस्खे हैं तो ये फिल्म लोग एक बार सिर्फ इसलिए देखेंगे कि क्या करें तो हसीना कैसे माने। इसकी सिचुएशन ये है कि गोविंदा डिसगाइज में है, एंड ही आई डू नॉट नो दैट ही एंड द अदर पर्सन दैट ही इज डिसगाइजिंग फॉर इज द सेम पर्सन। तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ व्हाइल ही इज नॉट पुटिंग ऑन हिज सो कॉल्ड ओल्ड वेग एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड देन वी प्ले ऑन द सिचुएशन दैट ही सॉर्ट ऑफ ट्राइज टू बिहेव लाइक दैट दैट द पर्सन दैट आई नो, and in the meantime get ready also sir itna aayega ha na aa padega moochhe aur daadhi wahan rakhenge nahi wo tere haath mein hai wo phenk di na usi mein okay uski kya zaruri ha bolo tu namaste rai sahab bol raha namaste rai sahab uske baad yahan tak aa raha tha namaskar ji namaste rai sahab aap santu aur rai sahab namaste rai sahab namaskar oh namaskar आपने जिस बहादुरी से संतों की और मेरी बेटी रितु की जान बचाई, उस बहादुरी का मैं किस जबान से शुक्रिया अदा करूं? अपनी जबान से कर लो यार। अपनी जबान से संतों बता रही थी कि आपने 26-27 साल के लड़की की तरह उछल उछल के उन लोगों की बात की। मैं यार मेरी उम्र ही उतनी है। आपकी उम्र ही उतनी है? नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा दिल जो है वो 26-27 का ही है यार। मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? अमीर बाप के दो बेटे हैं, और किस तरह बाप बहुत कंजूस है, और किस तरह वो अपने बाप को उल्लू बनाकर उससे पैसा लेते हैं, और किस तरह लड़कियां मिलती हैं, और किस तरह उन लोग को उल्लू बनाकर उनको फंसाते हैं। सो इट्स अ टिपिकल डेविड गेम। भाई साहब, भाई साहब, आप मुझे अपनी शक्ल क्यों दिखा रहे हैं? अरे अंकल, चाचा जी है ना, नहाने के बाद भगवान के दर्शन करते हैं तब शक्ल दिखाते। का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो फन फिल्म बनाता है, और हल्की फुल्की फिल्म होती है वो, जो आर्ट फिल्म आर्ट सिनेमा जो है हमारा, सोचने वाला, विचारने वाला, उस किस्म का, उस किस्म की ढोंगबाजी नहीं है। दिस इज टोटली अ कॉमेडी फिल्म, एकदम सर बाजू में रख के फिल्म देखनी है आपको। ज़्यादातर संसार में इतने दुख होते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी फिल्म ऐसी बने कि जो थिएटर में से बाहर निकलते समय हर कोई आदमी अपना दुख भूल के वो पिक्चर देखे और बाहर हंसते हंसते निकले। तो यही ऐसी एक फिल्म है हसीना मान जाएगी, जिसमें कुछ तो मैं दिखाना चाहती हूँ, और जो मैं चाहती वो अपने हिसाब से मैं डेविड धवन जी को बोली हूँ कि इस हिसाब से मुझे फिल्म चाहिए। ही इज डूइंग बेस्ट एज अ डायरेक्टर, और बाकी सबका सहयोग इतनी अच्छी तरह से मिल रहा है मुझे, तो सभी यही कहते हैं कि ये हमारी फिल्म है, और लेट्स होप सो, बाकी ऊपर वाले पे।